हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे को जरूर दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित श्री रविशंकर शुक्ल जी थे। इनका जन्म सागर जिले में हुआ था। दोस्तों, हमें यह बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी मध्य प्रदेश की महान हस्ती है, उसका जन्म स्थान मीन्स किस जिले में वह पैदा हुआ था, यह चीज याद रखना है। क्योंकि दोस्तों, एक व्यापम का यह पैटर्न बन गया है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है कि फलाने व्यक्ति का जन्म किस जिले में हुआ था, उसका कर्म स्थल कौन सा जिला है। इस टाइप से हमें याद रखना है कि कौन से व्यक्ति का जन्म कौन से जिले में हुआ था। बात करें हम प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमारी थी उमा भारती। इनका जन्म जो है टीकमगढ़ जिले में हुआ था। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हमारे थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। प्रथम दलित मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र शाहजी थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी थे। योजना आयोग, सॉरी, योजना आयोग नहीं होता, यह प्रदेश लेवल पर कहलाता है योजना मंडल, मतलब योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। और दोस्तों, एक बात आपको हमेशा याद रखना है, योजना मंडल के अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर प्रकाश चंद्र सेठी क्यों है योजना आयोग के अध्यक्ष? प्रथम मुख्यमंत्री तो हमारे रविशंकर शुक्ल हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में योजना मंडल की स्थापना 1972 में हुई थी, और उस समय 1972 में मुख्यमंत्री कौन थे? प्रकाश चंद सेठी। इसीलिए योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रकाश चंद सेठी। और योजना मंडल के यहां पर उपाध्यक्ष प्रथम थे दयाशंकर नाग जी। अब दोस्तों, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में देश स्तर पर योजना मंडल का अध्यक्ष कौन है और योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। हम बात करते हैं प्रथम राज्यपाल की, तो प्रथम राज्यपाल हमारे थे बी पट्टाभी सीतारमैया। यदि हम बात करें प्रथम महिला राज्यपाल की, तो प्रथम महिला राज्यपाल थी हमारी सरला ग्रेवाल। यदि हम बात करें प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल, ये हमारी थी उर्मिला सिंह। लेकिन दोस्तों, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, उर्मिला सिंह जो थी वो एमपी से थी, लेकिन यह राज्यपाल कहाँ की बनी? हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की यह राज्यपाल बनी थी। यह मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले से थी। उस समय 1946 में क्या था कि इनका जन्म हुआ था 1946 में। अब तो ये छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है, लेकिन उस समय कहाँ था? एमपी में ही था। विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हमारे थे पंडित कुंजीलाल दुबे जी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे थे विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ तामस्कर। दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? विश्वनाथ तामस्कर, विश्वनाथ तामस्कर एक्चुअल में क्या है, यहां पर लिखा है विपक्ष और यहां पर लिखा है नाथ। क्या होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति क्या होता है हमारे विपक्ष में जाने लगता है, तो हम उसको हमेशा नाथ पहनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, विपक्ष के नेता कौन थे? नाथ, मतलब विश्वनाथ तामस्कर। प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन थी? जमुना देवी। अब दोस्तों, इसको हम याद कैसे रखेंगे? एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये प्रथम क्या थी? महिला विपक्ष की नेता, और विपक्ष में वही जा सकती है महिला जो कैसा हो, यमुना के जैसा इसका प्रवाह हो, वही जा सकती है दोस्तों। तो यमुना को हम जमुना भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। याद करने के लिए हम सोच सकते हैं कि प्रथम महिला विपक्ष की नेता वही हो सकती हैं जिसका जमुना जी के जैसा क्या हो, प्रवाह हो, ठीक है दोस्तों। तो ये जमुना देवी हमारी हो जाएंगी प्रथम महिला विपक्ष की नेता। हम बात करें प्रथम मुख्य न्यायाधीश मीन्स चीफ जस्टिस की, तो ये हमारे थे एम हिदायतुल्ला, मतलब मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम
महिला मुख्य न्यायाधीश हमारी थी सरोजनी सक्सेना। मुख्य सचिव जो है हमारे थे H.S. कामत। महिला मुख्य सचिव थी हमारी निर्मला बुच। प्रथम महिला IPS ऑफिसर यह थी हमारी आशा गोपालन, जो कि भोपाल से बिलोंग करती थी। दोस्तों आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि भारत की प्रथम IPS ऑफिसर कौन थी। नेक्स्ट है प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, बीजी घाटे। यह 1956 से 1982 तक ही रहे। क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है उसको हम बोलते हैं महानिरीक्षक, लेकिन दोस्तों यह 1956 से 1982 तक ही चला। फिर इस पद महानिरीक्षक पद का नाम बदल के महानिदेशक कर दिया गया, जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं DGP। वो थे हमारे प्रथम प्रथम DGP थे PV दुबे। यह 1982 में बने थे, क्योंकि पहले इसका नाम क्या होता था, पुलिस महानिरीक्षक। फिर 1982 में इसका नाम बदल के कर दिया गया पुलिस महानिदेशक, मतलब DGP। तो फिर हमारे PV दुबे जो हैं प्रथम महानिदेशक हुए 1982 में। अब दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान में पुलिस महानिदेशक मींस DGP कौन है। चलिए हम बात करते हैं प्रथम महाधिवक्ता। तो प्रथम महाधिवक्ता थे हमारे श्री एम अधिकारी जी। नेक्स्ट बात करते हैं वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हमारे थे शीतला सहाय जी। निर्वाचन प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हमारे थे NV लोहानी जी। प्रथम सूचना आयोग के अध्यक्ष थे हमारे TN श्रीवास्तव। प्रथम लोकायुक्त हमारे थे PV दीक्षित। प्रथम उप लोकायुक्त थे हमारे RJ भावे। नेक्स्ट है PSC मतलब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे हमारे प्रथम PV रेड्डी जी। दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जब भी PSC की हम परीक्षा देते हैं तो उसके लिए हम क्या रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। रेडी मीन्स तैयार रहते हैं। तो PSC के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे PV रेड्डी जी। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह चीज भी एग्जाम में अक्सर कर पूछी जाती है। जैसे वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, इस प्रकार से इन सभी चीजों के हमें वर्तमान अध्यक्ष भी याद रखना है। चलिए प्रथम किन्नर विधायक, प्रथम किन्नर विधायक थी हमारी सबनम मौसी, जो कि सोहागपुर के शहडोल जिले से बनी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रथम किन्नर महापौर, प्रथम किन्नर मोर थी हमारी कमला जान, जो कि कटनी जिले से बनी हुई थी। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, इससे कि आपको क्या होगा, हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तथा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों तक इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।